देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने देश के युवाओं को एक वादा किया था कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 10 लाख नई पद सृजित करते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ ईमानदारी के साथ उनको नियुक्ति पद दिए जाएंगे। उसी क्रम में आज पूरे देश में 46 स्थानों पर नवा रोजगार मेला का आयोजन किया गया है और आज यहाँ पर आगरा में लगभग 200 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या पोस्ट एंड टेलीग्राफ की है। इसके अलावा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इन विभागों के बच्चों को जो जिन लोगों जो चयनित हुए उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बच्चों ने अपनी बातचीत में बताया कि एक भी रुपया उनका रिश्वत पर खर्च नहीं हुआ है। वो अपने लिखित पर और दक्षिण अधिकारी अपने लिखित पर सेक्टर दोनों के आधार पर चयनित हुए हैं। वो प्रधानमंत्री जी की तरफ बहुत कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं कि इतनी फ्री एंड फेयर भर्तियाँ कभी नहीं हुई थी। मोदी जी ने जो वादा किया था 10 लाख का 9 लाख के आसपास 22 अक्टूबर 2022 को पहला मेला हुआ था और आज नवा मेला है। लगभग 9 लाख चयनित अभ्यर्थियों को टीका लिख कर दिया जा चुका है।